झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से पूरे राज्य भर में संकल्प यात्रा पर निकले हैं, जहां उन्होंने सिदो कानू की जन्मस्थली भोगना डीए साहिबगंज से संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इसी क्रम में संकल्प यात्रा के दूसरे दिन राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट के मैदान साहिबगंज में जनसभा का आयोजन किया। आपके यहाँ गंगा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है और उससे पहले इस राज्य के अंदर में जब जब बीजेपी की सरकार रही, यहाँ विकास का काम खूब हुआ। छोटे बड़े नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गए, यहाँ पर अस्पताल भी बन गए, तो कई एक ऐसे विकास का काम हुआ। लेकिन आज इस झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आपके इसी जिला बरहेट से वो विधायक है, लेकिन आज इस जिला की हालत क्या है आप सबको पता है। आज इस जिला में हम कल बरहेट में थे, उससे पहले भी हम आए हुए हैं बरहेट, तो पता चला जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो फ्री में अनाज भेज रहे हैं, वो अनाज भी हेमंत सोरेन जी गरीबों के यहाँ तक पहुंचा नहीं रहे, बल्कि उस अनाज को भी बेच करके वो गरीबों का भी हक वो मार रहे हैं। और बताओ, इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ भाई, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब तक ही कोई भूखे नहीं सोए, सबको खाना मिले उसकी वो चिंता करते, जहाँ कोरोना काल में भी पूरे देश में दुकानें बंद हो गया था, कारखाना बंद हो गया था, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की और आज भी देश के प्रधानमंत्री वो चिंता करते हैं कि गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसको हम अनाज देंगे ताकि वो भी खा करके बच्चों को खिला करके और ठीक से सो पाए। लेकिन